पीस आना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज एक बाइक आप सामने देख रहे हो, ये सुपर बाइक नहीं है, बट ये सुपर बाइक से कम भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। ट्रेंडिंग में एज इन के हर संडे राइड पे ये बाइक आपको देखने के मिलती है, हर आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, एंड ये सब चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है बाइक, और बहुत ज़्यादा लोग इसकी डिमांड भी करते हैं, तो इसलिए मैंने भैया को कॉन्टैक्ट किया। तो हाय भैया, कैसे हैं आप? हेलो, हाय। तो भैया की बाइक है, भैया ने समवेयर अराउंड 24,000 किलोमीटर चला दी है, और जो कि बहुत अच्छा फिगर है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने भैया कॉन्टैक्ट किया कि ऑनरशिप रिव्यू बनता है कि क्यों इस बाइक पर लोग इतने ज़्यादा जाते हैं, और ये बाइक इतनी रिलायबल है भी या नहीं है, तो सारी बातें भैया से जानेंगे। तो भैया, ये बाइक हमने 24,000 किलोमीटर चलाई। यस। तो कहाँ का लेके गए इस बाइक को अभी तक आप? मैं इसको जयपुर ले जा चुका हूँ। अच्छा। यूके ले जा चुका हूँ, उत्तराखंड में। अच्छा। और डेली नॉर्मल राइड जो होते हैं हमारा, वो पूरा कर चुका हूँ मैं। अच्छा। सो कहीं आपको हाईवे पे, या सबसे ज्यादा चलाने में इसको कहाँ मजा आता है? इसको हाईवे पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाईवे पे तो सारी स्पोर्ट्स बाइक अच्छी लगती है, चलाने में मजा आता है, और ऐसा नहीं है जो ट्रैफिक में ये इरिटेट करता है। अच्छा, कंफर्टेबल है। मेरा, मेरे को इस बाइक को पकड़ने का रीजन ये था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे मेरे पास लोगों के, कि इस बाइक के साथ एक शूट करो कि इसका ऑनरशिप रिव्यू कैसा है, कि लोग इसकी मेंटेनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, लोग इसके कंफर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मेंटेनेंस से, कि इसकी मेंटेनेंस 24,000 किलोमीटर होगी, इसकी सर्विस कितने की होती है भैया? ज्यादा कुछ तो नहीं है इसका, 700 में हो जाता है सर्विस। क्या बात करो, 700 में सर्विस? 700 में हो जाता है ये। भैया, आप शोरूम में कराते हो, बाहर कराते हो? नहीं, मैं बाहर से करवाता हूँ, शोरूम। अच्छा, 700 में। इसमें कितना इंजन ऑयल डलता है? इसका इंजन ऑयल आता है 1 लीटर का आता है। अच्छा। और ये 500 की आ जाती है। अच्छा, कैस्ट्रोल वगैरह आते हैं। समझ गया। और कितने किलोमीटर में आप सर्विस कराते हो? मैं इसको 2,500 से 3,000 में करवाता हूँ। मैं 2,500 से 3,000 में करा लेते हो आप इसकी सर्विस पे? हाँ। और यार, ये तो भैया बहुत ही चीप हो गया, मतलब 1,000 रुपए से भी कम में आप इसकी सर्विस करा रहे हो, तो उसमें खाली इंजन ऑयल वगैरह, इसमें ऑयल फिल्टर वगैरह भी चेंज होता है? हाँ, इसमें मतलब 700 में इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज करता है, फिल्टर वगैरह सब कुछ रहता है। अच्छा। और जो इनकी कमियां रहती है वो खुद वेरीफाई करके। अच्छा। और ये सर्विस आप कराते हैं कहाँ इतनी, मतलब? मैं मैकेनिक फाई एक शॉप है। अच्छा। अच्छा ही सर्विस देते हैं, और ये नया भी ओपन ही हुआ है। अच्छा अच्छा। और इनके अच्छे अच्छे फ्रेंचाइजी है। आप गुड़गांव में रहते हो, तो गुड़गांव में आपका इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस को लेके? बहुत अच्छा रहा। अच्छा। मैं किसी को भी रेफर करूंगा तो मैं वहीं रेफर करता हूँ। अच्छा। तो वहाँ जाइए एक और, वहाँ विजिट करिए। भैया देखो, बिग थम्स अप इस चीज को लेके, अगर वो इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। सो इसके अलावा भी बाइक को लेके कोई मेजर काम आपने बाइक में कराया अभी तक? ऐसा कुछ नहीं करवाया, सब नॉर्मली है इसका। अच्छा। और बाकी छोटे मोटे बस काम करवाया है। ये तो आपने चलो एडोंस कर रखे हैं, एडोंस के बारे में भी बाद में बात करेंगे। मैं पहले जानना चाहता हूँ इसमें आपका, इसका चेन सेट, इसका स्टीयरिंग बेयरिंग, ऐसा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेन सेट भी इसका अच्छा चल जाता है। अच्छा। 10-15,000 पर मैं चेंज करवाता हूँ इसको। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तक आपने चेंज कराया इसका? हाँ, एक बार चेंज करवाया। कितने का आया वो इसका? इसका आया था 2,500 का आया था। अच्छा अच्छा। तो वो भी इकोनॉमिकल है, ज्यादा महंगा नहीं है? हाँ, ज्यादा इसका एक्सपेंस नहीं है। और ये कितने की आपको उस टाइम पे ऑन रोड पड़ी थी जब आपने ली थी? कितना टाइम, ये कौन सा मॉडल है वैसे? ये 2021 है ये। और आपने 2021 मॉडल के अकॉर्डिंग 24,000 किलोमीटर चला दी? हाँ। तो आप कहना चाहते हो कि बाइक आपको वैल्यू फॉर मनी लगी? बहुत ज्यादा। और इसके अलावा कोई और बाइक के बारे में नहीं सोचा आपने, RS के बारे में, पल्सर के बारे में? नहीं, मैं एक बार डोमिनार लिया था मैंने। अच्छा। इससे पहले मेरे पास डोमिनार था। अच्छा। बट वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। क्या बात कर रहे हो, डोमिनार वो तो 400 cc का, इससे ज्यादा पावर है, सब कुछ है, बट मुझे कंफर्टेबल सही नहीं लगा मुझे वो। अच्छा, मतलब हिसाब से? अच्छा, मतलब वो प्रॉपर स्पोर्ट्स ही चाहिए थी। हाँ। और आपकी हाइट कितनी है वैसे? 5.4 है मेरा। 5.4 है, तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग इस बाइक को चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। मैं इसे छोटा मोटा ऑफ रोडिंग भी कर चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जो कोई दिक्कत नहीं आती है। और भैया बाइक पे बैठ के दिखाएंगे, मैं एक बार थोड़ा चेक करना चाहूंगा, आप प्लीज बैठिए। मतलब ये आपकी 5.4 हाइट है, तो आपके पैर ऑलमोस्ट मतलब टिप बिल्कुल लगे हुए हैं, और आपका पोस्चर भी ये है। तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि पाम पे आपको कोई प्रेशर आया हो, या फिर आपको चलाने में दिक्कत आई हो लॉन्ग टूर में? नहीं है। अच्छा। इस बाइक को लेने का यही रीजन है, क्योंकि ये मेरे को कंफर्टेबल फील करती है ये, और राइड भी स्मूथ रहता है इसका। अच्छा। और 155 सीसी होने के बावजूद भी ये 250 सीसी तक का टक्कर दे देती है। वो बिल्कुल, वो तो भी इस चीज के लिए फेमस हो चुकी है ये, क्योंकि इसकी पावर फिगर ही ऐसी है। हाँ। और इसमें आप अकेले चलते हो या पिलिंग के साथ चलते हो? मैं मोस्टली सिंगल ही चलता हूँ। अच्छा। सोलो राइड करता हूँ, बट कभी कभार हो जाता है जो प्लेनर को भी ले लेता हूँ मैं। अच्छा, पिलिंग के साथ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता होगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है जो इसकी अच्छाई है, थोड़ी बहुत है भी। अच्छा। प्लेनर सही नहीं बैठ पाते हैं। हाँ, क्योंकि सीट भी थोड़ी। हाँ, वैसे इसमें सीट में आपने कुछ कस्टमाइज कराया, थोड़ी सी अलग लग रही है, इसमें कुछ नहीं ऐड कराई क्या आपने? ना, वैसी है। अच्छा, नॉर्मल है। नॉर्मल। और इसके जो टायर है, ये स्टॉक टायर है आपने चेंज कराया भैया? नहीं, स्टॉक टायर है ये स्टॉक टायर से 24,000 किलोमीटर चल गए। क्या बात है। एक्चुअली भैया, हम थोड़ा सुपर बाइक वाले ना, तो हमें थोड़ा सा ना अच्छा लगता है ऐसे देख के, क्योंकि हमारे बाइकों के टायर 5,000 से ज्यादा चलते नहीं है।
नहीं अभी ये वही है। अच्छा तो ये इसके टायर की टायर में मतलब इसमें मेरे हिसाब से MRF का टायर है, तो ये आएगा स्पेयर भी अगर आप इसका लोगे तो 5,000 रुपए का पेयर होगा मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होगा। और हमारा तो एक टायर भी नहीं आता 5,000 रुपए में, तो यार तो वही रहता है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके हिस्से की, आप इसमें क्या क्या लगाया। मैंने को जैसे देखने को मिल रहा है इसमें स्क्रीन लगाई है आपने, ये ब्लैक स्क्रीन बड़ी कूल लग रही है, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। ये कितने की आती है भैया? मैंने आज ज्यादा इसका सामान क्रोल वॉक से लिया मैंने। अच्छा क्रोल वॉक से लगा था इसका। अच्छा ठीक है, तो यही ज्यादा है, 350 का ही। ठीक है, बाकी मैंने व्हील कवर लगाया इसका। हाँ, एक व्हील कवर, ये बड़ा मैंने देखा था, लेकिन बहुत ना लोग पूरा कवर था, ये पूरा कवर नहीं है। इसके एडवांटेज ये है मेरे हिसाब से कि इसमें ना आपको आगे हवा की वजह से डिसबैलेंस नहीं होगी भाई। नहीं, इसका दो आता है, एक फुल कवर आता है और एक हाफ कवर आता है। फुल लगाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ना व्हील में थोड़ा सा हवा की वजह से डिसबैलेंस कर सकती है। अच्छा, और ये कितने का आता है अभी? ये मैंने पेयर लिया था 600 का। 600 का पेयर? हाँ, और पीछे भी आपने लगाया है? हाँ, ये तो यार बहुत ही चीप है। सॉरी, थोड़ा आपको बाइक गंदी लग रही होगी देखने में, बट लेकिन हम तो बाइक को ही देखेंगे। ये तो यार 600 में दोनों लग गए। यस, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब। और एक आपने इसमें ये लगा रखा, एक नोज लगाई हुई है, आई गेस। हाँ जी, हाँ जी। ये नोज कितने की आती है? ये मैंने 400 का लिया था मैंने। यार मतलब जिंदगी दिल कुछ हो गया, मतलब इतना सस्ते प्राइस, इतनी चीप। और ये इंडिकेटर भी शायद इसके चेंज है। यस, ये इसमें ऐसे ही आते हैं, नॉर्मल आते हैं, वैसे निकले हुए जो होते हैं। क्या चीज इनका नॉर्मल होता है? मैंने ये कितने की आया भैया? ये मैंने 700 का लिया था। एक बस फोन करके दिखाएंगे, ये कलरफुल है क्या? हाँ जी, दो लाइट होते हैं इनके। अच्छा, मैं वही देख रहा था। अरे वाह, क्या बात है इसकी, तो मतलब ये दिन में इतना अच्छा जल रहा है तो रात में कितना बढ़िया जलेगा। बहुत अच्छा रहता है नाइट में। और ये कितने का लगवाया आपने? 700 का लगाया था मैंने इसको। और ये फ्लेम साइडर लगे, ये बहुत जरूरी है भैया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बाइक को प्रोटेक्ट करता है गिरने से लेके, इंजन को लेके। वैसे इसका मैं आपको मेजर काम बताऊँ क्या है, इसका मेजर काम क्या है आपके अकॉर्डिंग? ये क्रैश होने से ये सबको बचाती है बॉडी? नहीं, इसका जो मेजर काम है ना वो इंजन को सेव करना है। हम लोग बोलते हैं कि फेरिंग को बचाता है, बट ये फेरिंग को इतना प्रोटेक्ट नहीं करता। इसका जो मेन काम है वो इंजन को लेके है। सुपर बाइक में इसमें इसकी फिटमेंट कहाँ है आई डोंट नो। सो इसके अलावा ये सब, इसमें एक चीज मुझे ये दिख रही है, जैसे कि इसमें आपने ये लगा रखे हैं, ये ग्रैब ग्रिल टाइप के, ये कैसे बनवाए आपने? ये कैसे? नहीं, ये रेडीमेड मिलता है। अच्छा, मैंने करोल वर्क से परचेस करा था। और ये कितने के आते हैं भैया? ये मैंने 800 का लिया था। 800 का दोनों? दोनों। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद 5,000 रुपए में बाइक पूरी रेडी कर दी है आपके सामने बाइक। हाँ यार, मतलब मेरे को लग नहीं रहा 5,000 रुपए में इतना कुछ लग गया बाइक के अंदर, और बाइक ना टोटली वर्थ लग रही है, मतलब लुक्स पूरी की पूरी बदल चुकी है बाइक को लेके। एक चीज और इसमें मैं अगर ये देखना चाहूंगा, और कुछ ऐसा कुछ लगाया हुआ आपने एक्सेसरी के नाम पे? नहीं यार, ये ना ठीक लग रहा है भैया, ये जो आपने लगवाया है टायर कवर, ये देखने में तो बढ़िया लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। एग्जॉस्ट चेंज कराने के बारे में नहीं सोचा भैया? प्लान कर रखे हैं। अच्छा, कर रखा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने अपने कुछ बाइक्स की मैंने वीडियो बनाई थी KTM वगैरह की, जो लोगों ने जो एग्जॉस्ट लगवाए थे वो 2,500-3,000 रुपए बड़े 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 एग्जॉस्ट थे। ज्यादा लाउड भी मत करना, क्योंकि वो कॉप्स थोड़ा सा परेशान करते हैं, क्योंकि बाइक ये थोड़ी बदनाम हो चुकी है, क्योंकि संडे राइड पे लोग थोड़ा एग्जॉस्ट लगा के डिटेलिंग वगैरह रैपिंग वगैरह करके। इसमें आपने रैप कराई? इसका ओरिजिनल कलर है? ये ओरिजिनल है। अच्छी ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल प्योर ब्लैक है, अच्छी लग रही है। हाँ, तो इसके बाद कोई बाइक पे अपग्रेड करोगे भैया? अब इसके बाद तो मैं भी सुपर बाइक की तरह ही जाऊंगा। अच्छा, हाँ। सुपर बाइक कौन सी प्लान करोगे भैया? अभी मेरा भी है निंजा ऊपर जाने का। अच्छा, निंजा, चलो निंजा या बेनेली पर जाएंगे हम? नहीं, बेनेली पे मत जाना भैया, निंजा पे जाना। बेनेली तो आई डोंट रेकमेंड, कि बेनेली में कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि सर्विस नेटवर्क में, पार्ट्स में बहुत इश्यूज आते हैं, और बाइक में इतनी पावर भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। तो निंजा फिर भी थम्स अप है, निंजा रिलायबल है, मेंटेनेंस में भी कम है, तो उसके लिए बाद वही अपग्रेड करेंगे। हां, इसके बाद वही अपग्रेड करेंगे। तो बाकी कोई ओवरऑल ऐसी कोई स्टोरी भी है जो बाइक के रिगार्डिंग आप बताना चाहो? ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, बट मैं इस बाइक का लेने का यही पर्पस था, मुझे कंफर्टेबल फील करा। और माइलेज भी इसकी ठीक है। हाँ, इसकी माइलेज कितनी आती है? इसकी रियल बताऊं अपने हिसाब से, जो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, 27-30 मेरे को दे देती है आराम से। अच्छा, 30 के आसपास। ये आपको सिटी में देती है, हाईवे पे देती है? ये सिटी में मेरे को दे देती है। सिटी में आपको इतनी एवरेज दे देती है? हाँ, 27 दे देती है। अच्छा, 30 मेरे को हाईवे पर मिल जाती है ऑन, खुद में जो मैं बताता हूँ जो डलवाता हूँ। चलो बढ़िया, मतलब पेट्रोल वेट्रोल को लेके भी एवरेज भी अच्छी है, माइलेज बहुत अच्छा है मेरे को। अच्छा, ये अच्छा चीज मेरे को लगा, मतलब इसको आप डेली भी चला सकते हो। भैया सही बताऊँ, आज मेरे ना सारी मतलब क्वेश्चन डाउट्स होते हैं ना इस बाइक को लेके क्लियर हो गए, कि क्यों लोग इतना ज्यादा RM5 पे जा रहे हैं, क्यों लोग इस बाइक को इतना ले रहे हैं। और मतलब एक तो ये है कि देखो कम प्राइस में है, सस्ते के अंदर आपको एक्सेसरीज इतनी सारी मिल जाती है, प्लस आपको लुक्स मिल जाती है, मेंटेनेंस में सस्ती है, तो और क्या चाहिए भैया। मतलब ठीक है यार, मतलब इससे चीप तो मैं क्या ही बोलूंगा, मेरे अकॉर्डिंग इससे चीप तो क्या ही होगा। 700 रुपए में तो आज के डेट में मेरे हिसाब से स्प्लेंडर की सर्विस होती होगी। तो बिग थम्स अप भैया इस चीज को लेके। बाकी बहुत अच्छा लगा आपके साथ शूट करके। सो जब
कोई और सुपर बाइक ले लोगे आप एक बार दोबारा शूट करेंगे। और भैया का एक बार इंस्टाग्राम लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आपका यूट्यूब चैनल भी डाल दूंगा, भैया शॉर्ट्स डालते हैं इस बाइक को लेके, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच भैया, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।